देशभर में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में दुर्दशा इतनी बुरी है कि चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर एलटी शिक्षकों ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में सीएम आवास कूच किया है। वहीं अभ्यर्थी अंकित डंगवाल ने बताया कि साल 2020 में एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी हो चुका है। साथ ही उत्तराखंड सरकार से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की मांग की गई है। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। है 15 दिनों के भीतर नियुक्ति का लिखित में, लिखित में तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर शिक्षा महानिदेशक कार्यालय के बाहर बैठने जा रहे हैं। आज से आज दिनांक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षकों को पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। हम लोग क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थी, पहले बीएड किया उसके बाद टीटी निकाला उसके बाद एलटी का पेपर निकाला, क्वालिफाइड शिक्षक हैं सब लोग। आज भले ही पूरे प्रदेश में शिक्षक के पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक सड़कों पर है।